प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा। एसपी विवेक सिंह ने हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसी के साथ जिले में ट्रैफिक सप्ताह का शुभारंभ हो गया। 11 से 17 फरवरी तक चलने वाले इस ट्रैफिक सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रैफिक सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग, निबंध और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के साथ ही 18 फरवरी से पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। कभी गाड़ियों की क्षति होती है तो वो सारी इस दौरान एडिशनल एसपी सीमा अलावा डीएसपी दीपा मांडवे, ट्रैफिक सूबेदार देवेंद्र सिंह परिहार, नितिन निंगवाल सहित पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे। जितने भी हमारे ऑटो संघ हैं, ऑटो संघ, बस संघ हैं या फिर जो माल वाहक वाहन हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार ये मुख्य अपने खंडवा शहर में रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे देहात के इलाके हैं वहाँ भी रहेगा। हमारे चार पांच थाने जो मुख्य है वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम देखें तो पंधाना, छगांव, माखन जो थाना है, इसके साथ साथ हरसूद, खालवा और फिर उसके बाद कोतवाली और मूंदी थाने आते हैं, तो यहाँ पे भी हम खास फोकस रखेंगे। और 17 तारीख तक जागरूक करना है, नियम कानून बताने के बाद 18 तारीख से एक सघन चेकिंग, उसके बाद जो है 18 से हमारा जो है वो जो चालानी कार्रवाई पे कड़ाई उस दिन से स्टार्ट। अभी हम लोगों को हेलमेट देना और नंबर प्लेट अगर गलत है तो उसको हम पेंट करवाना, रेडियम प्लेट्स जहाँ पे नहीं है गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं है, ट्रक्स में नहीं है, कई सारे डब्बा जो मालवाहक होते हैं उसमें नहीं है, तो उस समय रेडियम प्लेट्स लगाना। जो हमारे हॉटस्पॉट्स एक्सीडेंट्स के वहाँ पे हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसके संबंध में एक सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग होनी। लगातार शहर का ट्रैफिक अब बढ़ रहा है और कुछ जगह जैसे मेडिकल चौराहा हुआ, बस स्टैंड चौराहा हुआ, एसएन कॉलेज, इन स्थानों पर पहले भी बात होती रही है कि ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए। अब चूंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है कुछ स्थानों पर, लगाना जरूरी है, ट्रैफिक सेंस भी आएगा लोगों में, तो इसको लेकर के क्या आप लोगों का कुछ प्रयास है आगे? इसका भी जैसे मैं पहले मीटिंग में था उसमें भी इस बात का इशू उठा था, ट्रैफिक सिग्नल्स का कुछ यहाँ पे पहले लगे थे लेकिन वो पूर्ण रूप से कभी कार्यरत नहीं है, तो उसके बारे में भी नगर निगम से उसमें चर्चा रहता रहेगा और सारी चीज इसलिए समिति में कोशिश करेंगे कि हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें। बिल्कुल आपकी मीटिंग मिनट्स में था, ये पिछली मीटिंग मिनट ट्रैफिक सिग्नल्स का, तो इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करके और उसमें उचित जो भी निराकरण हो सकता है जैसे जल्द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों पर विचार करें। अच्छा सर, एक सवाल और ये भी था कि जैसे शहर में हैवी वाहन है उनके लिए आप चूंकि लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए, अब वो व्यवस्था हो गई है जो अपने जो भी हैवी वाहन से है या जो अपने ट्रक वगैरह मालिक हैं उन लोगों के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है? तो सर अगर वो यहाँ से कम हो जाए तो काफ़ी कुछ शहर की दिक्कत है। थोड़ा सा वो लॉन्ग टर्म है क्योंकि वहाँ अभी जमीन है, शायद बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है तो उनको अलॉट करके वो बिल्डिंग्स वगैरह होके, क्योंकि बाकी सुधार वहाँ पे हो चुका है, शायद रोड वगैरह भी सारी चीज़ पूरी तरह तैयार हो गई है, तो उसके लिए भी चर्चा रखते हैं, उसमें नगर निगम, जनप्रतिनिधि और सभी लोग उसमें साथ मिलते हैं, उन्हें हमें एक बार इसमें चर्चा भी हुई है और उसको जल्द से लोगों तक शिफ्ट करने का भी प्लान है। टेंपरेरी बाईपास आप लोग कोई नहीं जा रहे हो? एक मिनट मैम, थोड़ा सा आगे तो मत आओ यार। जागरूकता लोगों आज 10 फरवरी से 17 फरवरी तक करीब 8 दिन का एक यात्रा जागरूकता सप्ताह यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, जिसमें मूलतः हम कोशिश करेंगे, पुलिस की तरफ प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जाए, जैसे कि हेलमेट पहन के चलाना, बिना शराब पिए चलाना, शराब पी के वाहन ना चलाना, ट्रिपलिंग ना करना, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा ताकि वो जागरूक हो पाएँ और स्वयं को तथा अपने परिवार को किसी भी दुर्घटना से होने वाली हानि से बचा पाएँ। इसी उद्देश्य से ये जागरूकता सप्ताह यहाँ पे चलाया जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि
ज़्यादा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, धार्मिक आयोजन हैं, हाट बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे लोगों को बीच जाकर उनको जागरूक करने के प्रयास करेंगे। इसमें तरह तरह की गतिविधियाँ रहेंगी, जैसे कि नुक्कड़ सभाएं होंगी, डिबेट्स होंगे और अन्य तरह के मीटिंग होंगे और बाकी जो सेमिनार्स हो सोसाइटी भी इसमें सम्मिलित रहेंगी।